बिहार भाजपा एनआरबी सेल को कन्वीनर मनीष सिन्हा द्वारा अपने पैतृक गांव रफीपुर में आज हेल्थ कैंप और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। रफीपुर व आसपास के कई गांव से लोग सुबह 4 बजे से ही कैंप स्थान पर आने शुरू हो गए। विशेष तौर पर पटना से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा अपनी अन्य डॉक्टरों की टीम के साथ पधारे। वो पटना से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि सिन्हा भी पहुंची। सुबह 6 बजे से कैंप में इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वहीं हजारों की संख्या में पहुंचे मरीजों का डॉक्टर्स ने जांच किया। जांच के दौरान बीपी, मधुमेह के अलावा अन्य बीमारियों का परामर्श भी जनता ने प्राप्त किया। साथ ही असनपुरा प्रखंड के सावली मैदान में नर्मदा बाबू मेमोरियल लीग 2023 टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच देवरिया बनाम मुजफ्फरपुर से खेला गया। तो आइए हम दिखाते हैं खास रिपोर्ट। इंडिया पॉजिटिव का फाउंडेशन है और पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ पे नेत्र शिविर लगा रहे हैं और हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग चयनित होता है, जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन का जरूरत होता है, उसको हम लोग यहाँ से बस से लेके पटना में ले जाते हैं। वहाँ उनका ऑपरेशन होता है और 2 दिन वो लोग ठहरते हैं, फिर वापस लाते हैं। आना जाना, रहना, खाना पीना सारा कुछ संस्था की तरफ से होता है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है पेशेंट के लिए। तो ये पिछले कई सालों से चल रहा है और ये बहुत ही मतलब सक्सेसफुल। श्यामा फाउंडेशन का कहा जा रहा है कि आप संचालक भी हैं, तो किस तरीके से, कितने दिनों से इसको चला रहे हैं, इस फाउंडेशन को किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? ये पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया, 2011 से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सिर्फ कोरोना के समय 2 साल हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि उससे अनुमति नहीं थी, पर उसके अलावा हम लोग लगातार हम लोग मनीष सिन्हा जी को कहा जा रहा है कि मनीष सिन्हा जी यहीं रफीपुर के रहने वाले हैं और आप विदेश में भी रहे हैं, देश के कई कोना में जाके काम किए हैं, किस तरीके से आपकी जर्नी रही उसको थोड़ा बताइए। क्योंकि गांव का एक लड़का इस तरीके से जाकर पूरे देश में नाम कर रहा है, उसके बाद अपने गांव में आकर गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ कर रहा है अपने फाउंडेशन की तरफ से, तो लोग जानना चाहेंगे कि मनीष सिन्हा है कौन आखिर? मेरा तो बेसिकली हम लोग हैं रफीपुर के सिवान और पूरा बचपन हम लोग बाबा नर्मदा बाबू यहीं थे, हम लोग आते थे यहाँ पे, अपना बहुत समय बिताए हम लोग गांव में। अच्छे हम लोग पढ़े हैं छपरा में, फिर पटना में, और इंजीनियरिंग करके हम लोग सरकारी काम में हम थे भारत पेट्रोलियम में, फिर उसको छोड़ के हम अमेरिका गए, अमेरिका में पढ़ाई किए और वहाँ 10-12 साल काम किए, बहुत दुनिया के हर एक कोना में काम किए। और आईटी में मेरा मेरा क्षेत्र है और वहाँ सब देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वापस जाके अमेरिका तो ऑलरेडी सब बना हुआ था, तो हम बोले अगर हम अपना कुछ भी अगर योगदान अपने मिट्टी के लिए करें, अपने रूट्स को मजबूत करें, तो वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। तो हम वापस आके ये 10 साल पहले कर रही है फाउंडेशन स्टार्ट किए और तब से हमारा एक हेल्थ सेंटर चलता है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है जी। और आई कैंप, हेल्थ कैंप, कोरोना के समय हम लोग 7-8 राज्य में हम लोग पूरा, जो मजदूर फंस गए थे उनको हम लोग काफ़ी राहत पहुँचाए, राशन पहुँचाए कोरोना के समय, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत चीज़, मतलब हम लोग पिछले 10-12 काम साल से हम लोग सिर्फ पटना में नहीं, सिर्फ सिवान में नहीं, पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग देश के बाहर भी, तो हमारे जो सदस्य हैं वो बिहार से हैं, रफीपुर से हैं, पटना से हैं, दिल्ली से हैं, बॉम्बे से हैं, तो हैं हमारा दुबई में है, हमारा अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। जैसे अभी हम लोग का अगला कार्यक्रम जो है इंडिया पॉजिटिव का, वो बिहार दिवस हम लोग मना रहे हैं दुबई में। अच्छा, तो उसमें पहला बार ऐसा हो रहा है कि बिहार दिवस जो हो बिहार के देश के बाहर मन रहा है और बहुत भव्य रूप से मन रहा है, इंडियन कॉन्सुलेट में मन रहा है, उसमें इंडियन कौंसल जनरल भी आ रहे हैं और बिहार के जो मूल निवासी दुबई में रहते हैं वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इसको लेके जी। अच्छा मनीष सिन्हा जी, ये बताइए, जो शिविर आज लगा हुआ था और शिविर में आँख की जाँच की गई, उसमें आपने जैसे बताया कि यहाँ से महिलाओं को बस में ले जाया जाएगा, पटना ले जाकर इलाज कराया जाएगा, इस और उसके अलावा आप यहाँ पर क्रिकेट भी खिला रहे हैं, तो इस सारी चीज़ों को क्या माना जाए? ये देखिए, ये तो हम लोग का जड़ है, हम लोग यहीं से उपजे हैं। अगर जड़ को अगर नहीं आप संभाल कर रखिएगा तो पेड़, आप जितना ऊंचा जाइएगा पेड़ गिर जाएगा। तो हम लोग अपने जड़ को मजबूत करो, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से निकल कर अगर हम लोग ज़िंदगी में अगर कुछ लोग अच्छा किए हैं तो हमको वापस देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इस भावना से ही हम लोग मिल के चलाते हैं और हमारी संस्था कोई सरकारी पैसा ये सब नहीं लेते, हम लोग परिवार वाले मेरे दोस्त लोग मिल के ही करते हैं। अब आप समझिए कि इस कैंप के लिए जो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो कर्नाटक का लड़का है जो कि कुआलालंपुर में रहता है। वो वहाँ से वो आया था, 2 साल आया यहाँ, देखा उसको बहुत अच्छा लगा, उसको बिहार से बहुत प्रेम है। तो ऐसे ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे संस्था पूरे दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से। अच्छा, जिस तरीके से मनीष जी आप काम कर रहे हैं और आप बाहर भी रहे हैं,
तो कई तरह के लोगों के मन में एक बात होगा कि आप यहाँ पे तो आए हुए हैं लेकिन फिर चले जाइएगा, तो ये सारी चीज़ें फिर कौन करेगा? तो क्या आपने इस बार ठान लिया है कि नहीं, अब गांव में ही रह के सब कुछ करना है, गांव के लोगों का सेवा करना है? देखिए, टीम होता है जी, तो हमारा टीम सब जगह है, गाँव में भी टीम है बहुत बड़ा, हमारा पटना में टीम है, हमारे दिल्ली में टीम है, हमारे दुबई में टीम है, हमारा US में टीम है, तो हम रहे या नहीं रहे टीम से काम होते रहना चाहिए, और हम सब जगह इसलिए जाते रहते हैं, इसलिए काम होना ज़्यादा जरूरी है, और हमारे नहीं रहने में अगर काम हो रहा है तो और अच्छी बात है ना। बिल्कुल, तो टीम बहुत अच्छा है हमारा, हम यहाँ युवाओं से हम ये भी बोले हैं कि आप हमारी टीम से जुड़िए, और आप हम जब टीम से जुड़िएगा तो आप पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल सब लोग पूरे दुनिया से हैं जी। चलिए, हमारे साथ मनीष सिन्हा जी थे जो श्यामा फाउंडेशन और इंडिया पॉजिटिव फाउंडेशन चलाते हैं, और आज यहाँ पे सोहली के मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है, फाइनल मैच है, और इसके साथ साथ शिविर भी लगा हुआ था जिसमें आँख की जांच की गई, महिला के लगभग कई महिलाएं आई थी और बूढ़े बच्चे सब लोग, कई तरह के वहाँ पे जांच हुआ था, सब तरह के लोग आते हैं उसमें। अच्छा, महिलाएं हैं, बूढ़े लोग हैं, जवान, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसको दिक्कत है ऑपरेशन कराने में, सबको हम लोग करते हैं। बिल्कुल, इनका फाउंडेशन मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि इनका जो फाउंडेशन है वो गरीबों के लिए काम कर रहा है। चलिए, अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे, मनीष सिन्हा से अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और ये आपका जो भी मदद हो सके ये अपने तरफ से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।